अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? देखें कैंडी को सोई हुई है बिल्कुल बेफिक्र होकर। सहरी की थी इसने, सहरी के टाइम पे इसने खाया था और अभी ये सोई हुई है, गहरी नहीं। और ये उठेगी तकरीबन आधे एक घंटे बाद, जब तक सन्नाटा होगा खामोशी होगा ये सोती रहेगी, और जैसे ही खामोशी शोर वगैरह होगा तो ये उठ जाएगी। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ मुर्गियों के पास, और ये देखिए मुर्गा जावा अपना, ये भी बंद है, फैंसी मुर्गियाँ भी बंद है और ये भी बंद है। तो अब करते हैं क्या, इनको खोलते हैं ताकि ये थोड़ा सा घूम फिर सके ना। चलें, और अब मैं आपको आज एक सरप्राइज़ भी बताता हूँ। वो तोते के जो बच्चे निकले ना, उनकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितने प्यारे प्यारे से तीन बच्चे तोतों के उसमें निकले। तोतों के पास हम बाद में जाएंगे, मगर मैं पहले उसके बच्चे आपको दिखा देता हूँ, आप उसके बच्चे देख लें। मैं इसमें वीडियो लगा दूँगा उनके बच्चों की, मैंने बनाई थी, तो आप वो तोतों के बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है। चलें पहले जावा को खोलते हैं ताकि ये थोड़ा सा घूमें फिरें। देखें इसको खुलते ही उसकी आवाज़ें निकलनी शुरू हो जाती है, इस तरह से बहुत परे उड़ा रहे हैं। आज दोस्तों मैं आपको सरप्राइज बहुत बताऊं, ये देखें ये फैंसी जो सिल्की मुर्गी है वाइट वाली, इन्होंने अंडे देने शुरू किए हैं, और अंडे देने के बाद इन्होंने अंडे खाने भी शुरू कर दिए। यानी दो दिन पहले इन्होंने अंडे दिए थे और तकरीबन रोज़ाना ही अंडे दे रहे हैं। बच्चों ने देख भी लिया था इनके अंडों को, मगर फिर ये हुआ कि जब हम आए अंडा लें तो अंडा था ही नहीं, मुर्गी ने अंडा खा दिया। यानी अंडे दे रहे हैं और ख़ुद ही अपने अंडे खा रहे हैं। फिर हमने डॉक्टर से मालूम किया, पूछा भाई ये अंडे क्यों खा रहे हैं अपने, तो डॉक्टर ने बताया कि भाई इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ की कमी होती है जो ये अंडे खा के अपने अंडे खा के जो है ना पूरे कर लेते हैं। तो अभी आप इनको हड्डियों का चूरा खिलाएं, यानी मुर्गी की जो हड्डियाँ होती हैं ना इनका, इनको चूरा खिलाएं या अंडे के छिलको पीस के इनको खिलाएं। बोला जब ये इनको खिलाएंगे और इनको वो चीज़ मिल जाएगी ना कैल्शियम जो इनके अंदर कमी है, बोला फिर ये अपना अंडे खाने बंद कर देंगे। या फिर दूसरी एक चीज़ और है, इनकी एक क्लिप मिलती है मुँह वाली, तो हमें इनकी टाइमिंग नोट करके ना उस टाइम पर हमको इनको खिला पिला के वो क्लिप इनके मुँह पर लगानी पड़ेगी, ताकि जब वो क्लिप इनके मुंह पे लग जाएगी तो फिर ये अंडे नहीं खाएंगे। अब अभी तो ये अंडे खुद ही खा रहे हैं। तो ये तो बड़े थोड़ी सी तश्वीशनाक बात है कि ये अपने अंडे खुद ही खा लेते हैं, थोड़ा सा इसमें नुकसान हो जाता है। दरवाज़ा खुला रख दिया था, ये अंदर ही आ रहा था, अगर ये अंदर आ जाता तो इनकी सबकी पिटाई हो जाती। चल तू बाहर निकल, चल जा। ये देखो देखो इसकी, देखो मुर्गियाँ देखिए इन्हें अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ये अंदर नहीं आने का। ए फाइट नहीं करने का, फाइट नहीं करने का, डंडे उठा लो भाई, ये डंडा उठाना पड़ेगा इनके लिए। फाइट वाइट बिल्कुल नहीं चाहिए, चल इधर घूम, चल फाइट वाइट नहीं, थोड़ा सा घूमो, फाइट बिल्कुल नहीं चाहिए। लड़ाई के लिए आ जाते हैं फौरन। उसके काम देखो, उसके पिंजरे के अंदर अपनी गर्दन डाल के ना उसको खाने की कोशिश कर रही है। अगर उसने उसको पिंजरे समेत पकड़ लिया है ना तो इसके बेचारे के लिए शामत आ जाएगी। ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं ताकि उन लोग को खाने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। चलो ये लो, चलो इनको थोड़ा सा पीछे करके इसको थोड़ा सा, चलो चलो अब खा लो तुम लोग। उसके चावल पे टूट पड़े हैं ये लोग, ये देख रहे हो ये पानी पी लेगा। मैंने पिंजरे में मुंह डाल दिया था, ये पकड़ लेता तो इनके लिए शामत आ जाती इनकी। ठीक है, इन सबको बंद कर दिया है, अब इंशाल्लाह हम चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और नमाज़ पढ़ कर आते हैं फिर इन सिल्कियों को खोलते हैं। ओहो सिल्की देखो वहाँ बैठी है अंडे देने के ऊपर। नमाज़ पढ़ के आगे देखते हैं इसने अंडा दिया है क्या, अगर अंडा दिया होगा तो अब अपन निकाल लेंगे अंडा। मुझे लगता है अंडा देने के मूड में है, लग रही है मुझे, नज़र तो नहीं आ रहे अंडा, मगर देखते हैं आके। ओके मैं थोड़ा सा फोकस करूँ आपको, ये जगह जो हमने बनाई है ये अंडा देने के लिए बनाई है, यहीं बैठ के,
इन्होंने पिछले भी दो चार अंडे जो उन्होंने यहीं पर दिए ना, तो ये अंडा देने की जगह है। लोग अब बैठी हुई भी है, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अभी अंडा देगी और आज हम जन्म मौके पे अंडा निकालने में कामयाब हो जाएंगे और इसको अंडा खाने नहीं देंगे। मगर डॉक्टर ने मुझे बताया था कि अगर आप इनको अंडों के छिलके और हड्डियाँ पीस के खिलाते रहोगे ना, तो फिर अपना अंडा खाना छोड़ देगी। अभी इनमें कुछ वैसे विटामिन की कमी है जिसकी वजह से अंडा खा के पूरा करती है। हमने इंतजाम तो कर लिया है इनके अंडे के छिलकों का, मगर अब देखते हैं कि ऑपरेशन अंडा कामयाब होता है या नहीं होता है। दोस्तों मुबारक हो, अंडा ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। देखें ये अंडा हमारे पास आ चुका है और अब हम इन तीनों को खोलते हैं और ताकि ये लोग यहाँ अंडा को हम बचा सके। और मैं आपको अंडा दिखा भी देता हूँ इंशाल्लाह, ताकि ये मुर्गा भी इसको साइड लाइन करूँ। अब इसको खोलूँ इधर, ए गजब हो गया था ये, निकल गया था बाहर और निकलते ही सब भागने की कोशिश कर रहा था। दूसरी जाली डाल के मैंने इसको पकड़ लिए, वरना फिर वहाँ पहुँचता तो एक ख़तरनाक फाइट शुरू हो जाती। बच गए। यहाँ पर ऑपरेशन अंडा जो हमारा कामयाब हो गया है, इन तीनों को बाहर निकालते हैं। और तीनों बाहर आ जाओ, आ जाओ, ये हम तीनों को बाहर निकालते हैं। और माशाल्लाह ताकि और दाना पानी ये खा सके, इनको थोड़ा सा खोल देते हैं और हम यहाँ पर जाते हैं। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये अंडा हमने उठा लिया। और ये रस का अंडा है, पिंजरा बहुत छोटा है, मुर्गी एकदम मुझे घुसना पड़ रहा है। ओ माशाल्लाह ये अंडा मुझे मिल गया। देखा दोस्तों, आज ऑपरेशन कामयाब हो गया, अपना अंडा अपने को मिल गया। और ये इस मुर्गियों का अंडा है जो लोग डेली दे रहे हैं और देने के बाद अंडे खा भी जाते हैं, मगर आज जो है ना हमने इनको पकड़ लिया और हमारा अंडा कामयाब हो गया। हमने आज इनको रंगा तो पकड़ लिया। अभी हम अंडे को रख देते हैं यहाँ पर सेफ कर जगह पे, ताकि कोई खा नहीं सके। ठीक है, अब अंडे को मैंने रख दिया यहाँ पर, अब जिसको जाते हुए जो है ना मैं इंशाल्लाह घर ले जाऊँगा और रख दूँगा। आज भाई भी देखेगा, वो भी खुश हो जाएगा, बोलेगा अंडा बच गया। वो मुसलसल ये अंडा दिया, फिर उसने अंडे खाते गए, हमने टाइम नोट नहीं किया था इसका, मगर आज मुझे लगता है ये एक से दो के दरमियान इनका अंडे का टाइम है और अंडा हमें मिल गया। अब इनको खोल दिया हमने दोस्तों, अब थोड़ा इनको घूमने फिरने देते हैं, खाने पीने देते हैं लोगों को। ठीक है, और गोल्डन को हमने बंद रखा हुआ है, इन दोनों को साथ नहीं खोलते ना, वरना ब्रिड मिक्स होने का खतरा रहता है हमारे लिए, वरना ब्रिड मिक्स हो जाएगी, इस वजह से इनको साथ नहीं खोलते हैं। जब खोलते हैं तो डंडा लेके बैठना पड़ता है, मगर अभी फ़िलहाल इनका बारी है, इनको हमने पहले खिला लिया था, अब इनकी बारी है, तो इनको थोड़ा घूमने फिरने देते हैं इंशाल्लाह और इसके बाद देखते हैं, फिर इन दोनों को एक साथ खोलेंगे और डंडा लेके अंदर बैठेंगे, क्योंकि इसके लिए भी कोई इंतज़ाम करना है। इसके बेचारा काफ़ी देर से बंद पड़ा हुआ है ना, तो इस जावा का, वाइट जावा का भी अपने कुछ करना है। इसको मुझे ले जाऊँगा अपने घर के उस तरफ और वहाँ छोड़ दूँगा थोड़ा, ताकि घूम फिर सके, अगर पहले मेरा बेटा आ जाए उसके बाद। ठीक है दोस्तों, आज का व्लॉग इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह ताला अब आपको मिलते हैं हमारे कल के व्लॉग्स के अंदर। और आज हमारा था अंडा ऑपरेशन और वो कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब कल की इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे हौसला अफजाई हो सके और मैं इस चैनल में और आगे जा सकूं। और मुझे फैंसी परिंदे लाने हैं और मुझे फैंसी मुर्गियां लानी हैं इंशाल्लाह ताला इसके अंदर। ठीक है, और बहुत सारे बतख लाने हैं और इंशाल्लाह इसको वाकई एक चिड़ियाघर बनाना है। तो उम्मीद करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पसंद करेंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इसको। ठीक है, ताकि हमारा हौसला बढ़े, मेरा हौसला बढ़े और मैं जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ भी बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा और इसमें मुर्गियाँ परिंदे वगैरह लेकर आऊँ, ताकि और आपको अच्छे से एंटरटेन भी कर सकूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।